नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि प्रिंटर्स जो रहते हैं वो कैसे ऐड करते हैं हम लोग कंप्यूटर को सिस्टम को कैसे ऐड करते हैं। तो इसके दो तीन प्रकार हैं, मैं तीन प्रकार से आपको बताऊंगा कि प्रिंटर कैसे ऐड करते हैं। तो ये देखिए, एक है बाय नेटवर्किंग से ऐड कर सकते हैं, दूसरा है बाय यूजिंग USB केबल, और तीसरा है बाय शेयरिंग। तो ये तीन प्रकार हैं जिस तीन प्रकार से हम लोग प्रिंटर ऐड कर सकते हैं। तो देखते हैं हम लोग पहला मेथड बाय नेटवर्किंग। तो बाय नेटवर्किंग जो बड़े सिस्टम्स रहते हैं या तो ऑफिस रहते हैं वहाँ पे प्रिंटर जो है कंप्यूटर को या नेटवर्किंग से कनेक्ट करते हैं, क्योंकि बहुत सारे सिस्टम होते हैं उसमें। तो प्रिंटर को IP एड्रेस दिया जाता है। सबसे पहले प्रिंटर को लैन केबल से कनेक्ट किया जाता है, मतलब नेटवर्क से कनेक्ट किया जाता है, उसको IP एड्रेस दिया जाता है। उसी रेंज में IP एड्रेस दिया जाता है जिस रेंज में सिस्टम को IP एड्रेस रहते हैं, यानी कि क्लास ए या क्लास बी हो, ये जो IP एड्रेस के रेंज रहते हैं उसमें, तो एक ही रेंज में होने चाहिए दोनों भी, तो ही नेटवर्क में वो प्रिंटर ऐड होगा। दूसरा मेथड है, मैंने आपको बताया था यूजिंग USB केबल। हम लोग नेट कैफ़े में जाते हैं, हम लोग देखते हैं एक प्रिंटर रहता है, हम लोग एक उस प्रिंटर को किसी भी सिस्टम से प्रिंट दे सकते हैं। तो वहाँ पे जो रहता है वो नेटवर्क से नहीं कनेक्ट रहता, USB केबल से रहता है, क्योंकि वहाँ पे चार पांच ही कंप्यूटर रहते हैं। तो चार पांच कंप्यूटर के लिए USB केबल से ये बेस्ट ऑप्शन रहता है। एक प्रिंटर एक कंप्यूटर को कनेक्ट करके रखते हैं और वो प्रिंटर फिर बाद में शेयर करते हैं, जो मैंने आपको बताया था थर्ड मेथड है शेयरिंग। तो USB केबल से कनेक्ट करने के बाद, उसके ड्राइवर्स इंस्टॉल करने के बाद उस प्रिंटर को शेयर करेंगे, तो वो दूसरा सिस्टम होगा, तीसरा सिस्टम होगा, उसमें हम लोग वो शेयर का ऑप्शन दिखाई देगा आपको और वो प्रिंटर कनेक्ट हो जाएगा। तो ये तीन मेथड हैं जिससे प्रिंटर कंप्यूटर से जोड़े जाते हैं। तो ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।